नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल पर लाइव तस्वीरें और इस समय मौजूद है काशीपुर के ऐतिहासिक रेलवे फ्लाईओवर पर। जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरें हैं। भीड़ जो खुशी है भीड़ की वो भी साफ देखने मिल रही है, और ये जो पूरी भीड़ है उसका मुख्य कारण हम आपको देख पा रहे होंगे सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से। हमारी सहयोगी अनुष्या आपको पूरी जानकारी देंगी। जैसे कि आप देख चुके हैं, वो ऐतिहासिक पल आ चुका है जब काशीपुर की जनता एमपी चौक स्थित फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ियां चला पाएंगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका काशीपुर के लोगों पे सब जी हाँ, बिल्कुल सीधी लाइव तस्वीरें हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल पर काशीपुर के इस ऐतिहासिक आरओबी से, और आपको दिखा रहे हैं इस समय किस तरीके से काशीपुर की जनता जो है खुश दिखाई दे रही है, और यहाँ पर किस तरीके से जो है लगातार अब गाड़ियों का तांता लगना शुरू हो गया। आखिरकार काशीपुर की जनता का पिछले 7 सालों से जो मन था कि भाई कब आखिरकार हम यहाँ से जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएंगे और इस ऐतिहासिक फ्लाईओवर से अपनी गाड़ी निकाल पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा काशीपुर की जनता की वो खुशी, और जिस तरीके से काशीपुर की जनता खुश दिखाई दे रही है, हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है काफी ऐतिहासिक दिन है काशीपुर के लिए 15 तारीख, क्योंकि आज ही के दिन जो है मैं बाल सुंदरी माता का डोला जो है काशीपुर के इसी ऐतिहासिक आरओबी के नीचे से निकलेगा, और आज ही के दिन इसको शुभारंभ करना कहीं ना कहीं एक आस्था से भी अगर इसको जोड़े तो कुछ गलत नहीं होगा। लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। मैम, 7 साल बाद काशीपुर के फ्लाईओवर पर चलने की खुशी कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खुशी हो रही है। हम चाहते थे इसी तरह की तरक्की होते जाए हमारे देश में, और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे खुशी है काफी, और जिस तरीके से लगातार हम बातचीत भी करेंगे आप देख भी सकते हैं सीधे लाइव तस्वीरें हैं, और लगातार जो है जो नारेबाजी है वो भी हो रही है, और अब हम बातचीत करवाएंगे आपको हमारी सहयोगी उंजिला फातिमा जो है आपको यहाँ पे, और किस तरीके से जो। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे 7 साल के इंतजार के बाद जो ये काशीपुर का रेल ओवर ब्रिज है वो आज 15 अप्रैल को खोल दिया गया है, और आप यहाँ के सभी काशीपुर वासियों के चेहरे पर खुशी जो है वो अलग से देख ही सकते हैं। लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह है कि इतने सालों बाद जो ये फ्लाईओवर है, ये रेल ओवर ब्रिज है, इसको खोल दिया गया है, जनता को समर्पित कर दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और उसका जायजा ले रहे हैं, लोगों से भी पूछेंगे कि कैसा लगा। जी बहुत बढ़िया लगा, ये हमारी सरकार बहुत बढ़िया आई है, बीजेपी सरकार ने हमारे लिए इस काशीपुर के लिए जो बस खाली बेरोजगारी है, पर बेरोजगारी हटाए बस। हम और भी लोगों से पूछेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे महसूस हो रहा है कि इतने टाइम बाद जो ये रेल ओवर ब्रिज है इसको चालू किया गया, काशीपुर को ये सौगात जो है ये मिल चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ भैया कैसा लग रहा है? ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आज फ्लाईओवर ये खोल दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिक्कत है, दूर हो गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक की दिक्कत थी उससे निजात यहाँ पर मिल सकेगा। वहीं आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर काफी समय से समस्या ट्रैफिक की चल रही थी उससे आपको निजात मिल सकेगी। जी हाँ, बिल्कुल, लेके चलेंगे आपको काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कल उन्हीं के द्वारा जो है और बीते दिन उन्हीं के द्वारा जो है इसकी तारीख जो है वो निश्चित की गई थी कि हाँ भाई 15 तारीख को काशीपुर का ये ऐतिहासिक आरओबी खोल दिया जाएगा। और जब यहाँ पर जिस तरीके से जो है लगातार हमारी जो काशीपुर की जनता है इस आरओबी पर जुड़ रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? काशीपुर के आवाम से गुजारिश है कि पुल पे आराम आराम से चले, 7 साल बाद पुल खोल दिया है, सभी नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई।
तो कहीं ना कहीं काशीपुर की जनता में तो खुशी है, उसका कहीं ठिकाना नहीं है। लोगों से हम बातचीत करेंगे और जिस तरीके से आज काशीपुर का ये ऐतिहासिक आरोप भी खोला गया है बाकी में एक काबिले तारीफ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर जो खुशी है वो आज देखने मिल रही है। साहब हम काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आरोपी आज इतने समय बाद खोल दिया गया है? बड़ी खुशी का माहौल है व्यापारियों के लिए, व्यापारी नेता होने का नाते मैं ये कहता हूँ कि हमारे व्यापारी भाई इस पुल के खुलने से बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी प्रगति बढ़े और जो जो व्यापारी भाई हमारे परेशान थे जिनकी इस पुल के बराबर में दुकानें हैं जो उनकी परेशानी थी उनकी परेशानियां दूर हो और ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है आज। धन्यवाद जी। हाँ बिल्कुल, कुछ ही देर में जो है हमारे बीच में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक करभजन सिंह चीमा सभी लोग मौजूद हैं, सबसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे। बात करें सबसे बड़ी बात, काशीपुर का पूरा पुलिस महकमा जो है यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो है क्योंकि पहला दिन है और जो पूरी व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए यहाँ लगा हुआ है। हम बातचीत करेंगे यहाँ पे, आपको लेकर चलते हैं काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह की। सबसे पहले हमारे साथ अभी रजत सिद्धू जी जुड़े हैं क्योंकि अभी लगातार जो है सभी लोग आज खुशी का दिन है, सारे पत्रकार भाई भी अपना अपना इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जो देखने मिल रही है यहाँ के क्षेत्रीय है क्योंकि पीछे का जो क्षेत्र है पुल उतरते के साथ ही भाई साहब का लगता है निवर्तमान पार्षद है यहाँ से। सिद्धू जी क्या कहना चाहेंगे, खुशी के ठिकाना आपके चेहरे पे देखने मिल रहा है? देखिए हर कोई जो आ रहा है बाइक से, कोई बहन आ रही है या कोई भाई आ रहा है, वो कितना खुश होता हुआ आ रहा है आप समझ नहीं सकते हैं कि 2 मिनट नहीं लगते हैं यहाँ से वहां तक जाने में और कितना दूर से वहां जाम मिलता है फिर आदमी जा रहा है। ये हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी, विधायक जी और सब प्रदेश महामंत्री जी और सब जो लगे हैं आज जो ये सबकी सफलता सबको जो प्राप्त हुई है उसके लिए पूरे काशीपुर की जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर माँ बाल सुंदरी देवी की आज कृपा हुई है कि मंदिर आज माँ का दौड़ा भी जाना है और ये पुल भी खुल गया है, तो आप सबको और पूरी शहर की जनता को बधाई और ऐसे ही आगे भी हम लोग जनता की सेवा करते रहे। सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज माँ का डोला जाना है और आज ही इस अवसर पे आज ही पुल खुला है, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली बात कोई हो नहीं सकती। तो मतलब मान के चले जो विधायक जी ने कहा था वो कर दिखाया? हाँ कर दिया साहब, कर दिया, हकीकत कर रहा जो क्या है वो कर दिया उन्होंने। कल हमारी बीती रात आप लोगों ने वो खबर भी देखी थी जो हमारे प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भी ये वाली बात कही थी। किलेन जी आपने ये वाली बात कही थी कि कल अपने लोगों की जो गाड़ी है काशीपुर की वहाँ दौड़ेंगी दौड़ेंगी दौड़ेंगी। तो आज मालिक जी देख रहे हो कि आज हमने 3 बजे का वादा किया था लेकिन 2:30 बजे से ही गाड़ियां दौड़ रही है। 2:30 बजे से जनता में खुशी का माहौल है, हर चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। काशीपुर की जनता बहुत परेशान थी इस आरोपी के बनने के इतना समय लगाने में और ये ठेकेदार की हिला वाली है, ये ठेकेदार जो है विपक्ष से मिला हुआ ठेकेदार है, ये ठेकेदार जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये ठेकेदार जो है मोदी जी और धामी जी की योजनाओं को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसी का कारण है कि इस आरओबी को बनने में 7 साल लगे क्योंकि इसका आरओबी के बनने का समय 2 वर्ष का था। आज जनता ने खुद चल के दिखा दिया कि खोल के दिखा दिया अपने आप और अधिकारियों से कल बात हो चुकी थी, आप उदाहरण सबके सामने है, लग रहा है कि किस तरीके से आरओबी आज खुशी का वातावरण है। आज ये बिल्कुल आज माता का दिन था, माता भी पहुंचेगी आज चक्र मेले में और सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज ऐसा दिन में ये एक नई वो हुई है, हमारी पुल की स्थापना करी है, बहुत बढ़िया होकर चला है मामला। ये हमारे बीच में रवि पाल भी मौजूद हैं, भाई सब क्या कहना चाहेंगे, आप भी लगातार जो है इस पुल को शुरुआत से देखते आए हैं? आज हम सब काशीपुर वासियों के लिए एवं समस्त काशीपुर के व्यापारियों के लिए देवतुल्य जनता के लिए बड़ा ही खुशी का माहौल है क्यों पिछले 7 वर्षों से जिसका हम सबको इंतजार था वो शुभ घड़ी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो समय दिया गया था 15 अप्रैल दोपहर 3 बजे वो मोदी की गारंटी का समय दिया गया था, वो मोदी की गारंटी आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आज ये फ्लाईओवर चालू हो गया। मेरी समस्त काशीपुर वासियों को आपके माध्यम से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। तो ये है वो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर और जिस तरीके से जो है यहाँ पर लगातार लोग जो है निकल रहे हैं। मैम काशीपुर की जनता में आप भी शामिल है, यहाँ से निकल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी जो है साफ देखने मिल रही है काशीपुर की जनता की जरूरत। मेरे सहयोगी अनुश्री भारद्वाज आपके साथ जुड़ेंगी और बातचीत करवाएंगी कुछ लोगों से। Thank you.
तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, काशीपुर की जनता के चेहरे की जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं फिर बताना चाहूँ कि 7 साल का इंतजार और आखिरकार वो पूरा हुआ, तो काशीपुर के लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो देखते नहीं बनती कि सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ पीछे चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी भी जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार रात ही आपने कहा था कि यहाँ से 3 बजे गाड़ियाँ निकलेंगी और गाड़ियाँ निकल रही है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने कल आपसे कमिटमेंट करा था कि पुल खुलेगा खुलेगा खुलेगा, ये हमारे काशीपुर की भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। और आज भी हमारे कई सारे विघ्न इन्होंने उत्पन्न करे, लेकिन हमने उसके बावजूद आज इसे खोल दिया है। और कोई इसमें काम भागी नहीं है, ठेकेदार की और एनएच के इंजीनियर्स की बदमाशी है, और वो इसे लगातार टालने का प्रयास कर रहे थे। और वो उनका प्रयास ये था कि 19 तारीख तक ये टल जाए, जिससे शहर की जनता नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करे। लेकिन हमने शहर की जनता के लिए खोल दिया है। अब मेरे सभी शहर की जनता के लोगों से निवेदन है कि नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी आज बाल सुंदरी देवी जी मंदिर में पहुंचने वाली हैं। आप सब लोग इस पुल के रास्ते जाकर चैती मेले में एंजॉय करिए और माता रानी के दर्शन करिए। ये कारों के लिए, स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए पुल परमानेंटली खुल गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर सभी लोग जो है जुड़े हुए खुश हो रहे हैं और काशीपुर की जनता भी खुश दिखाई दे रही है। हमारे साथ में इस वक्त पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी भी मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, काशीपुर की जनता जो है चेहरे पे अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। आज 3 बजे फ्लाईओवर जो है वो खुल चुका है। लंबे समय से काशीपुर की जनता को ये इंतजार थी कि ये जो बन रहा फ्लाईओवर, जो जिसकी वजह से सैकड़ों दुकानें उजड़ गई, कईयों के घर उजड़ गए, वो चाहते थे ये कभी न कभी तो चलेगा। 7 साल हो गए इस पर काम होते हुए, लेकिन ठेकेदार का यही कहना बार बार कि काम पूरा नहीं है, काम पूरा नहीं है, तो जरूर नहीं किया जाए। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनएच के द्वारा मुझे ये विश्वास दिया गया था, सरलोक जी को भी विश्वास दिया गया था कि 15 तारीख को 3 बजे इसको खोल दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है, आज 15 तारीख भी होगी और 3 बजे से ऊपर का समय हो गया, अभी तक कोई अफसर हमारे यहाँ पर आई नहीं। जनता को क्योंकि संदेश था, इसलिए यहाँ पर जनता आई है। और जनता मतलब कहने पर भी वो ये कहती है कि साहब उन्होंने समय उन्होंने दिया था, वो आके खोल देने, तो हम खोलेंगे। हम ना खोलने के लिए कह रहे हैं, ना मैं बंद कर रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जनता खोल रही है, ये कोई बुरा काम नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें इस चीज़ का एहसास है कि यहाँ का एनएच का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ का ठेकेदार और कुछ विभागीय आदमी ये बीजेपी के खिलाफ है। ये 19 तारीख को जो वोट पड़नी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं, इसी वजह से ये समय और मांग रहे थे। जनता ने समय नहीं दिया और जनता थोड़ा बहुत था वो खोल के चालू। तो जैसे कि आपने सुना, साथ ही हमारे साथ काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, 15 तारीख 15 अप्रैल का वो दिन जिस दिन आपने कहा था कि 15 को ये पुल जो है ये खुल जाएगा, जनता जो है अपनी गाड़ियां दौड़ा पाएंगी, आज जनता की गाड़ियां दिखाई दे रही है यहाँ, क्या कहना है? और आप साथ में ये देखे कि हर चेहरे पे मुस्कान है। आज 7 साल के बाद जो कठिनाइयां थी, आज लोगों की आज वहां से एक उनको आराम मिला है और लोग खुश हैं। हर गाड़ी के जो भी आदमी पास हो रहा है उसके चेहरे के ऊपर खुशी है। और इसके साथ साथ जो है ऐसे जो भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो लेट होते हैं, एक नेशनल लॉस है और दूसरा जो जनता को कठिनाई होती है वो अलग है। 7 साल जनता ने कठिनाई झेली है, आज सारी जनता को आराम महसूस हो रहा है। तो जैसे कि काशीपुर की जनता जो है उनको कहीं ना कहीं एक निराशा जो चेहरे पे दिखाई दे रही थी, आज वो खुशी में बदल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से काशीपुर की जनता जो है यहाँ से वीडियोस बनाती भी जा रही है कि आखिरकार ये पुल जो है वो खुल चुका है, क्या देखिए, काशीपुर की जनता में आज बहुत हर्ष का माहौल है। जो 7 साल का जो संघर्ष था आज कहीं ना कहीं कामयाब हो गया है।
कोई टेक्निकल दिक्कत थी। मैं काशीपुर की जनता बहुत खुश है, दूर दूर तक देख सकते हैं कि यहाँ के टूरिस्ट और काशीपुर की जनता बहुत खुश है। 7 साल का जो संघर्ष आज कामयाब हुआ है, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और यहाँ के विधायक तिलोक सिंह चीमा जी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जनता का दर्द समझा और टाइम से इस पुल को जनता की काशीपुर जनता को समर्पित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सभी लोग आज पुल पर अपनी गाड़ियां लेकर आ गए हैं और जो जिनका रास्ता नहीं भी है वो भी घूमने चले आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जैसा कि ठेकेदार ने टाइम दिया था उसके अनुसार ये आज खुल गया है। कई बार इसमें परेशानी आई लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि दूसरे विपक्षी पार्टी के जो कि इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे। अब देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है कि ये पुल खुल गया है और सब लोगों के लिए यातायात के लिए खुल गया है। इस पर बहुत लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं और मैं अपने विधायक जी को और शीर्ष नेतृत्व को सभी को मैं इस बात का धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ कि काशीपुर की जो समस्या थी वह आज खत्म हो गई है। लेकिन जो भी मुद्दा बना इसमें, सिर्फ विपक्ष ने मुद्दा बनाया क्योंकि वक्त बनाने में टाइम लगता है और कई चीजें ऐसी होती कि बीच में उसको ठीक करा गया और आज खुल गया है। सारे देर है, दुरुस्त है, लेकिन आज सारी परेशानी काशीपुर के लोगों की दूर हो। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे आप कि तारीख पे तारीख की जो शिकायत थी काशीपुर की जनता की वो कहीं ना कहीं दूर होती दिखाई दी और आखिरकार काशीपुर की जनता जो है वो अपनी गाड़ियां जो है यहाँ पर दौड़ाती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे होंगे पब्लिक जो है कितनी खुश दिखाई दे रही है, सभी लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, लगातार सबके चेहरों पर खुशी है। तो वही हम बात करें सर, आज आप भी अपनी गाड़ी लेकर आए हैं फ्लाईओवर पर? फिलहाल तो अभी ऐसे ही आया हूँ देखने की क्या चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि भाई फाइनली ये फ्लाईओवर खुल जाएगा और बहुत खुशी की बात है कि कम से कम यहाँ से वहाँ जाने के लिए दो दो फाटक नहीं लगेंगे और यहाँ से वहाँ हम ऐसे ही जा सकते हैं। अभी मेले का टाइम वैसे ही है, लोगों को बहुत दिक्कतें आने वाली थी, लेकिन फाइनली अगर ये आज खुल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो एक बहुत ही विशेष मुद्दा जो यहाँ उठाएगा कि मेले का समय आ चुका है और कहीं ना कहीं लोग जो है काफी ज्यादा यहाँ पर आते हैं उस मेले को देखने के लिए, चैती मेला जो कि प्रसिद्ध मेला रहा है। और सर क्या कहेंगे, अब मेले की का भी शुभारंभ हो चुका है यहाँ, आज इस फ्लाईओवर का भी शुभारंभ हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो एक हर्ष का विषय है, काशीपुर की जनता को मैं बधाई देना चाहूंगा और सुरागीलाल न्यूज जो हमारी है इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने काफी टाइम से इस न्यूज को हमेशा ऊपर रखा कि फ्लाईओवर आखिरकार कब बनेगा कब बनेगा। तो वो घड़ी आज आ गई है 15 अप्रैल जो कि हमारे काशीपुर वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और ये जो अनियमितताएं आई है, कभी कहीं कुछ कॉन्ट्रेक्टर की वजह से आई, कहीं रेलवे की वजह से आई जिसकी वजह से लेट हुआ था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो ट्रैफिक है, यहाँ पर एक ही जगह था पहले चीमा चौराहे की तरफ, अब उसका डाइवर्जन हो गया है और काशीपुर की जनता कहीं ना कहीं इससे अब लाभ लेगी। और जो हमारे नवरात्रे शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी घड़ी है नवरात्रों की कि पुल की ओपनिंग हुई है, देवी रानी की भी इसमें आशीर्वाद रहेगा काशीपुर की जनता पर। थैंक यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग भी खुश दिखाई दे रहे हैं, वही बात करें सर, आज काशीपुर की जनता जो है फ्लाईओवर पर दिखाई दे रही है, सब अपनी गाड़ियां लेकर दौड़ाते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज वाकई माँ बाल सुंदरी देवी जी के आज उन्होंने डोला उनका जाना है, तो इस शहर काशीपुर को भी माँ बाल सुंदरी देवी की कृपा से ये पुल भी खुल गया। और मैं समझता हूँ कि 7 साल के लंबे इंतजार के बाद काशीपुर की मेरी जनता, मेरी प्यारी जनता आज ऐसे उत्सव का माहौल सा बना रही है। आप देख रहे होंगे मोटरसाइकिल से कोई जा रहा है, इतना खुश है, अपनी सेल्फी खींच रहा, अपनी वीडियो बना रहा और लोगों से अपनी बातों को कह रहा है। लेकिन मैं एक बात इसमें लास्ट में कहना चाहूंगा, इस सारे प्रकरण में 15 तारीख को खुलना है और ये विषय एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों ने और अधिकारियों ने हमारे विधायक जी से कहा, लेकिन फिर किंतु परंतु का ये खेल चालू हो गया। तो इसमें हमें अब साजिश की बू आ रही है कि 2 साल से 4 साल, 4 साल से 5 साल, 5 साल से 7 साल, निश्चित तौर पर इसमें मुझे साजिश की बू आ रही है कि इसमें हमारा ठेकेदार और ये अधिकारी कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत की मुझे इस साजिश की बू आ रही है। और निश्चित तौर पर मैं सबको बधाई देता हूं और ये कह देना चाहता हूं कि ये काशीपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर ये काशीपुर आगे आने वाले समय में इस पुल का उसे पूरा लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो दुकानदारों के घर लाइन क्रॉस करके आवास विकास में थे, वो निश्चित तौर पर अपने कारोबारों को बड़े आसानी से अब आगे कर पाएंगे। धन्यवाद। तो
तो जैसे कि अब हमारे साथ सुरागीलाल न्यूज चैनल के जो प्रधान संपादक हैं वो जुड़े हैं, वो आपको आगे की जानकारी देंगे फ्लाईओवर किस तरह से जनता जो है वो खुश दिखाई दे रही है। आप जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से, हम लाइव दिखा रहे हैं। दरअसल कई वर्षों से ये चला हुआ आ रहा है, क्योंकि ये फ्लाईओवर का जो काम था वो पेंडेंसी में चल रहा था और 7 वर्ष हो चुके थे लगभग, तकरीबन 6 वर्ष कुछ महीने हो चुके थे। तो जनता का एक भावना थी कि शुरू हो और किसी प्रकार से जो वाहन है वो चलना शुरू हो, ताकि जो लोड दूसरे रोड्स पे है वो कम से कम दूर हो सके और लोग बहुत कम समय पे अपनी डेस्टिनेशन काशीपुर में जो इर्द गिर्द जाना होता है या इधर उधर जो जाना होता है, बीच में जो हमारा बाजपुर रोड का जो पूरा क्षेत्र आवास विकास समझ लें और उससे आगे की जितनी कॉलोनीज हैं वो सारी चेती तक सारी प्रभावित हो रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन की भावना थी और मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं प्रसन्न हो रहे हैं जो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, और जो कार वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि आज वो इस फ्लाईओवर पे उतर के और वो दूसरी डेस्टिनेशन पे यानी रामनगर रोड या स्टेशन रोड पे जा रहे हैं अपने बाजार के कार्य के लिए या अपने अन्य कार्य के लिए। तो ये एक हर्ष का विषय है काशीपुर वालों के लिए। ऐतिहासिक तो रहा ही ये फ्लाईओवर, परंतु ये देखना पड़ेगा कि अब हमारे जो जो जनप्रतिनिधि हैं, अब जो जो बीच में जो फाटक है इसके नीचे से जो रास्ता जो है वो नीचे बंद हो जाएगा तो लोगों को ऊपर से ही जाना पड़ेगा। परंतु यहाँ एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा, कई बार लोगों के मन में संशय है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे बड़े वाहन नहीं जाने चाहिए, इसके लिए लोगों के मतलब उनके जो चेहरे पे वो उदासीनता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो उनके चेहरे पे उदासीनता है वो है क्यों, कि उन्होंने डंपरों से या ट्रकों से उन्होंने मार्केट के अंदर जाना है या अपनी दुकान खोलने जाना है, वो बस में जाना है, ट्रक में जाना है, डंपर में जाना है, किस में जाना है? ये जो वाहन है यहाँ पे लाइट व्हीकल ही जाना है, किसी दुकानदार के पास ट्रक या वो नहीं है जो ट्रक से अपनी दुकान खोलने जाएगा या जो बाजार के अंदर जाएगा वो ट्रक के अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो भारी वाहन है उसके लिए अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारी वाहन के लिए NH 74 से लेकर कई बाईपास हमारे काशीपुर के इर्द गिर्द बने हुए हैं, वो सरकार ने काहे के लिए बनाए हैं? तो ये जो मेन जो ये फ्लाईओवर था ये उन लोगों के लिए था जो लाइट व्हीकल से जो यहाँ से गुजर सके, भारी वाहन के लिए तो कम से कम पास करने के लिए बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बने हुए हैं, परंतु लोगों के मन में कुछ लोगों के मन में ये उदासीनता थी कि यहाँ से बड़े वाहन नहीं जा रहे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो अपने जो उनके प्रतिष्ठान है या उन्होंने जो कार्य करना है वो डंपरों से करना है, ट्रक से जाना है, बस से जाना है, किससे जाना है? तो इसीलिए जो लाइट व्हीकल्स वाले हैं उनके मन में बहुत खुशी है और जो जागरूक लोग हैं उनके मन में बहुत खुशी है और जो हमारा युवा है उसमें से भी वो युवा, उनको मैं कहना चाहूंगा कि जो सोच रहे थे कि यहाँ ट्रक चलेंगे इसलिए थोड़े उदासीन हो रहे थे, भाई आप लोगों के ट्रक नहीं है, आप लोगों ने शहर के अंदर ट्रक लेके नहीं जाना, बस लेके नहीं जाना, डंपर लेके नहीं जाना। तो यहाँ पे जो लाइट व्हीकल्स है उसके लिए पुल शुरू हुआ है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ, धन्यवाद।